तो ये है हम आज भी गर्ल्स हॉस्टल के साइड और हम जा रहे हैं कोई नई जगह पे। तो ये वो सेम रास्ता है जहाँ से हम लास्ट वाले व्लॉग में गए थे और हम इस बार कोई नई जगह जा रहे हैं। और लास्ट वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड यहाँ से वो मंदिर था और हम जा रहे हैं इस साइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो है वही स्पोर्ट्स ग्राउंड जहाँ पे ट्रायल हो रहे हैं क्रिकेट के। एंड हम आज जा रहे हैं कोई नई जगह जो अभी मैं आपको ले जाता हूँ। और ये रहा वो गर्ल्स हॉस्टल जहाँ पे हमने लास्ट बार वीडियो बनाई थी और हम वापस उसी रूट पे जा रहे हैं जहाँ पे वो मंदिर था। अब आगे जाके एक्सप्लोर करते हैं कि हम आज कहाँ जा रहे हैं। वैसे तो अभी सेम रूट ही है, अब नेक्स्ट देखते हैं। वैसे तो कॉलेज के पीछे इतने सारे रास्ते हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं नई नई जगहें, बट आज हम देख रहे हैं वो नया वाला रूट। कोई नया रूट देखना चाहते हैं बट सेम रास्ते पे जा रहे हैं आज, जो कहीं और कनेक्ट हो जिस बार उस सेम रूट पे हमें ना ले जाए। आजकल जो डर है यहाँ पे क्या कहते हैं पहाड़ों में, ये यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो जमीन है यहाँ पे इतने सारे घास पड़ी हैं सूखी घास, जिसका डर ये होता है कि आग लगने का खतरा बहुत है। और आजकल इस जगह पे इतनी सारी आग लग रही है और लोग भी लगा रहे हैं और कुछ तो खुद की वजह से भी लग जाती है, तो बस इस चीज़ का डर है यहाँ पर, तभी हमें थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा। और इस सूखी घास की वजह से फिसलन भी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अगर एक बार बंदा भागते हुए डाउन हिल चले गया तो बस वो भागते ही चले जाएगा और फिर गिर जाएगा। अगर बीच में पेड़ है बचाने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो गिरने का ही बहुत डर रहता है। और एक बार मैं आपको सिनेमैटिक व्यू दे देता हूँ, थोड़ा बहुत देख सकते हैं यहाँ पे जगह। ये जगह बहुत ही कूल है एज यूजुअल। एंड हम जा रहे हैं इस पॉइंट से, यहाँ देख सकते हैं इस पॉइंट से नीचे एक रोड जाती है जो लेफ्ट की तरफ हमारे कॉलेज के फ्रंट गेट पे जाती है एंड राइट की तरफ गांव है बहुत सारे, जिसका टूर भी हम नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। बस एक बार वैसे तो मैं दूसरे सिटी से हूँ तो मेरे पे अभी व्हीकल नहीं है, कन्वीनियंस नहीं है, जिससे मैं बाइक या स्कूटी नहीं है मेरे पे जिसकी वजह से मैं आपको ले जा सकूँ। बट अभी मैं किसी फ्रेंड से एक बाइक लूँगा जिसकी वजह से हम उसका टूर भी कराऊँगा। ये मेरा फ्रेंड उपेंद्र, हमेशा की तरह मेरे हर व्लॉग में गुड मॉर्निंग ब्रो, गुड मॉर्निंग बोल दो सबको। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। बस हम दोनों जाते रहते हैं इधर उधर एक्सप्लोर करने जगह को। बस एक बार बाइक मिल जाए एक दोस्त की, फिर हम आपको और अच्छी जगह का टूर कराएंगे। ये मुझे इस जगह को देख के उसकी याद आती है राज मूवी में कहती है कौन है विपाशा बासु, कहती थी दूर से कौन है और फिर दूर दूर जाती रहती है। रूपा पता नहीं क्या नाम था यार उसका, कहती कौन है और इतनी दूर दूर जाती रहती है जंगलों में बेवकूफ। तो जब भी आप चलते हैं यहाँ पर तो पैर टेढ़ा करके ही चलें, इससे गिरने का भी डर कम रहता है और साथ साथ अपना वेट पीछे की तरफ रखें, क्योंकि आप देख सकते हैं हम इस जगह से नीचे आ रहे थे, इस ऊपर से इस स्लोप से हम नीचे आ रहे थे, तो पेड़ को हमेशा टेढ़ा रखें और साथ साथ अपना वेट पीछे की तरफ रखें, जिससे कि अगर आप फिसलें भी तो मतलब ज़्यादा ना फिसलें कि भाई लुढ़क लुढ़क के नीचे चले जा रहे हैं, हाँ पीछे के लिए गिरेंगे। सही बात है, ये सिखाया हमारे उपेंद्र ब्रो ने जो है सर्वाइवल एक्सपर्ट हमारे साथ। ये देखिए यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा औसम है, बहुत ही ज़्यादा कूल। यहाँ पे जो आप घर देख सकते हैं, यहाँ पर ये बच्चे स्कूल जाते हुए नीचे और इतने नीचे नीचे से लोग रहते हैं, और वहाँ देख सकते हैं आप डिफॉरेस्टेशन भी हो रखी है इतनी अच्छी सुंदर जगहों में भी, जहाँ पे पेड़ की कमी तो नहीं है बट कुछ डेकेड्स में यहाँ पर भी पेड़ नहीं रहेंगे शायद से। एक सिनेमैटिक व्यू देते हुए
पर जो व्लॉग बनाने का टाइम है वो तो हमें मिलता ही रहता है। और अभी ही व्लॉग तो मैं वैसे बहुत पहले से बना रहा हूँ, बट अभी मैंने सोचा कि अभी थोड़ा ज़्यादा टाइम मिला है कॉलेज लाइफ में और हम और भी बहुत सारी जगह घूम लेते हैं ना इधर क्या कहते हैं कॉलेज के आसपास, तो इस वजह से और ज़्यादा टाइम मिल जाता है व्लॉग को शूट करने का और उसे एडिट करने का भी। तो ऐसे ही हम कई सारी जगह जाएंगे जहाँ पर हम व्लॉग को शूट करेंगे और साथ ही साथ और भी आपको बहुत सारी जगह दिखाएंगे। तो अब हम आ चुके हैं पूरा ही डाउन हिल, तो देख सकते हैं उपेन ब्रो हमारे नीचे पहुंच चुके हैं एंड ये इतना बड़ा पहाड़ हमने ट्रैक करा डाउन हिल में और बहुत ही अच्छी जगह थी। एक डंडी मैंने अपने साथ रखी है क्योंकि यहाँ पे खतरा है बाघ का और साथ साथ सांपों का भी। तो जिस सिटी में मैं रहता हूँ वहाँ पे इतने सारे पाइन के ट्रीज भी हैं और पर मैं कई बार उन वहाँ पाइन के जो पाइन थे उनको मैं घर ले गया था, उन्हें डेकोरेट करा था और यहाँ पे अब इतने सारे देखने को मिले हैं कि अब मन ही भर चुका है इनको घर ले जाने का। तो आप देख सकते हैं ये नेचर में ऑलरेडी ही इंडिया का फ्लैग आपको रिफ्लेक्ट करता है, वाइट ग्रीन और ऑरेंज, बस बीच में ब्लू की थोड़ी सी कमी हो गई। तो हमारा फ्लैग ही ऐसा है जो नेचर में रिफ्लेक्ट होता है। और अच्छी चीज़ है कि है इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में ये है पाइन ट्रीज के बारे में कि ये 1000 साल तक भी खड़े रहते हैं एज इट इज अगर फेवरेबल कंडीशन हो क्लाइमेट की। और एक पेड़ है जो लगभग 5000 साल पुराना है कैलिफोर्निया में, जो भी ब्रिसल कोन पाइन की स्पीसीज है, 100-150 से ज़्यादा भी इसकी स्पीसीज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे तो सिर्फ 2-3 तरह की ही है। बस अब हम करते हैं रनिंग इस पाथ पे, इस पाथ से हम जाएंगे जो ये कनेक्ट होता है कॉलेज गेट से, तो बस हम रनिंग करना शुरू करते हैं। ओके चलिए। तो जैसा कि मैंने दिखाया अभी वो था कॉलेज का बैक गेट, मतलब फ्रंट गेट है वैसे, पर उसका एक ऑल्टरनेटिव और रास्ता है जहां से हम कॉलेज के फ्रंट गेट पे आ सकते हैं। और ये है हॉस्टल, जो सुनने में तो यह आया कि एमटेक और पीएचडी वालों के लिए है। अब लेट्स सी हमें मिलेगा नेक्स्ट सेमेस्टर में या नहीं। और इनका बहुत कूल है, इनको कैंपस से बाहर मिला है, मतलब वैसे तो एक रोड आती है बीच में, उसके बाहर मिला है, तो फायदे बहुत है। अभी कितनी कैलोरी बन, 6000 कैलोरी कितनी बने? 203 कैलोरी। अबे नहीं, इसका भी तो होता है, मैंने इसको बोला तो था। तो हम ये पहुंच गए हैं पहले, मतलब ये जो कॉलेज का वो है फ्रंट साइड, फ्रंट गेट पे पहुंच गए। और जो बच्चे हैं ये है लोकल्स। और यहाँ पे खेल रहे हैं सब लोग कबड्डी। अच्छी बात तो ये है कि यहाँ के सारा दोनों बोथ जेंडर खेलते हैं, वैसे थोड़ा अजीब है सुनने में, बट यूजुअली ऐसा जितना मैं घुमा उतने में जितना मेरा एक्सपोजर है उस हिसाब से तो मैंने कम ही देखा है। पर अच्छी बात है, सबको ट्रेन करना चाहिए, खुद को एक्सरसाइज करनी चाहिए रोज़, और किसी ना किसी स्पोर्ट्स में पार्ट लेना चाहिए ज़रूर।
और उस जंगल से। तो ये है साइंस ब्लॉक और जो भैया जा रहे हैं वो है हमारे हॉस्टल के गार्ड जो रखवाली करते हैं हमारी और हमें अपने बच्चे की तरह रखते हैं। ये आ गए हमारे गार्ड भैया। और ये है अप्लाइड साइंसेज ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट जहाँ पे वेनस्ते। और बस ये है एक व्यू जो शायद ही कोई और कॉलेज में देखने को मिलता है। जितने भी कॉलेज मैंने देखे हैं ऑनलाइन भी और जितने में मैं गया भी हूँ काउंसलिंग के लिए या फिर ऐसी विजिट के लिए, वहाँ पे ऐसा व्यू तो शायद ही नहीं है। एनआईटी श्रीनगर में है भाई ऐसा व्यू। तो अभी भाई बता रहा था कि एनआईटी श्रीनगर है वो बंद पड़ गई है किसी रीजन की वजह से, जहाँ के बच्चों को शिफ्ट करा जा रहा दूसरे कैंपसेस में। अब लेट्स सी एनआईटी जो इतनी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है हमारी कंट्री की उसमें बच्चे कैसे पढ़ते हैं। हमारा तो सपना ही था एनआईटी आईआईटी जाना बट अफसोस वो नहीं हो पाया। बट ये भी कम अच्छा नहीं है, अच्छा खासा है जगह भी अच्छी है, पढ़ाई भी अच्छी है। और जो मेन चीज़ होती है वो होती है खुद पे। अगर बंदा सेल्फ स्टडी करता है, लाइब्रेरी का फ़ायदा उठाता है और जो इंटरनेट मिलता है उसका भी ढंग से फ़ायदा उठाता है कि अपना लेक्चर्स को डाउनलोड करता है और साथ साथ और भी कई चीज़ें जो फॉलो करता है टाइमली, तो कॉलेज का इतना फ़र्क तो नहीं पड़ता। प्लेसमेंट का थोड़ा फ़र्क पड़ता है जो बंदा अपने स्किल से निकाल ही सकता है क्योंकि इंटरनेट है सबके पास है और लाइब्रेरी भी हर कॉलेज में है। तो मेरे हिसाब से कॉलेज का इतना फ़र्क नहीं पड़ता, खुद पे सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, उसकी वजह से बंदा कुछ भी कर सकता है। तो जब भी हम इस रूट से आते हैं ऐसा लगता है कि हम एक अलग ही सिटी में आ चुके हैं। देख सकते हैं आप जैसे ऊपर ऐसा लग रहा है होटल है और वैसे तो ये ट्रांजिट हॉस्टल्स हैं टीचर्स के और जो बच्चे आ रहे हैं छोटे छोटे लोकलाइट्स हैं यहाँ के आस पास के गाँव में रहते हैं। चलो बाय बाय। तो ये थे यहाँ के बच्चे और ये डॉगी और ये हमारा डॉगी रूबी तो आजकल गायब है। हेलो डॉगी, व्हाट्स योर नेम ब्रो? तो अब जा रहे हैं हम अपने हॉस्टल में जहाँ पे हैं अभी भाई। हाँ, उपी भाई के तो मैसेज आते रहते हैं। अरे कहाँ भाई। तो अब जा रहे हैं हम अपने हॉस्टल में। हमारे हॉस्टल का नाम है कैलाश हॉस्टल जहाँ पे 70 से ज्यादा कमरे हैं और बहुत सारे लोग रहते हैं। और उस जंगल से लेकर आया हूँ एक पाइन जिसको मैं अपने रूम में रखूंगा। छोटा सा पाइन है, एक याद की तरह कि हम ट्रैकिंग भी करते हैं इधर आसपास और चीज़ें लेकर आऊँगा जो मिलेगी अच्छी खासी। और एक दिन हम प्लान कर रहे हैं कि सारा मैस से जो पराठे या फिर जो भी बनता है खाने में उसको टिफिन में पैक करके एक दिन हम ट्रैकिंग पे जाएं दोपहर या शाम के टाइम, क्योंकि दोपहर में तो गर्म तो होता नहीं है, तो उस टाइम जाएं और चाय भी लेके जाएं साथ में। और उसे ट्रैकिंग पे जब हम जाएंगे तो उस सामान को लेकर जाएंगे और वहां पे आराम से एक पिकनिक की तरह मनाएंगे। क्यों ब्रो? चलो फिर हम अपने हॉस्टल पहुंचते हैं एंड नेक्स्ट व्लॉग शूट करते हैं जल्दी। बाय बाय, टेक केयर एंड सेव प्लैनेट। बाय बाय।